पावर एशिया 2014 में जो हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यकीनन ये पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी एजुकेशनल पार्क के नाम से है। और जो विजन है इसके पीछे वो ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो जब कर सकते हैं तो ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ सकता जिसका मेन पर्पस ये हो एजुकेट भी किया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से चीज़ों को भी उजागर किया जाए, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने के फाउंटेन बना देते हैं, मोनूमेंट्स बना देते हैं जो कि दो महीने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उन फाउंटेन्स की जगह ऐसी चीज़ें बनाई जाए लॉन्ग लास्टिंग, जिसका रिजल्ट हो, जो कि कम्युनिटी को सर्व भी करें, एजुकेशनल पर्पस भी उससे पूरा हो। तो ये पाकिस्तान का पहला अल्टरनेटिव एनर्जी एजुकेशनल पार्क है। हम समझते हैं कि कराचीआइट्स के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमने इसका इफ्तिताह किया, इसकी इब्तिदा की, और इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेंगे, और इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट होगा वो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जो एनर्जी क्राइसिस जिसको फेस कर रही है पूरी कौम, वो उसको काउंटर करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आज जो हम इनिशिएटिव लेंगे, जो ओन करेंगे किसी चीज़ को, तो वो पूरे मुल्क के लिए काम आएगा। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर बनती है कि वो इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करें, उनको भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, उनको भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा।